दोस्तों 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है ईडन पार्क ऑकलैंड में, और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाला है इस सीरीज के लिए, क्योंकि सीरीज में टीम इंडिया विनिंग मोमेंटम के साथ जाने वाली है और सेमीफाइनल में जो टीम इंडिया की हार हुई थी, न्यूजीलैंड ने हराया था, तो उसका बदला भी लेना है। तो क्या चेंजेस हुए हैं टीम में वो मैं आपको बताऊं। इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह चाहते कि टीम इंडिया इस मैच को काफी रोमांचक तरीके से जीते तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। मैच के दौरान सभी लाइव अपडेट्स, कैचेस, सिक्सेस, विकेट, सभी वीडियोस पाने के लिए, हाइलाइट्स वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या प्लेइंग 11 टीम इंडिया की रहने वाली है सभी चेंजेस के बाद। तो एज अ ओपनर रोहित शर्मा और जिनका साथ देने वाले हैं केएल राहुल, तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, और जो कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग ओपनर्स हैं। मिडिल ऑर्डर में देखा जाए तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, इस प्रकार से टीम का मिडिल ऑर्डर रहने वाला है। एज अ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा या शिवम दुबे, किसी एक को मौका मिलने वाला है, और जिस प्रकार के चांसेस हैं, जिस प्रकार के मौके दिए जा रहे हैं शिवम दुबे को, तो शिवम दुबे को यहाँ पर इस मैच में मौका मिलने वाला है। और एक और ऑलराउंडर रहने वाले हैं इस मैच के लिए, वह वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर क्यों? वाशिंगटन सुंदर इसलिए क्योंकि वो T20 मैचेस में एज अ ऑलराउंडर खेल सकते हैं। तो वहीं चार टॉप क्लास बॉलर्स की बात की जाए तो कुलदीप यादव एज अ स्पिनर रहने वाले हैं। तीन पेसर्स की जोड़ी में मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम इंडिया की, परफेक्ट प्लेइंग 11 है, अच्छी प्लेइंग 11 है। चेंजेस की बात करते हैं तो शिखर धवन के रिप्लेसमेंट के तौर पर संजू सैमसन स्क्वाड का हिस्सा जरूर है, लेकिन ना तो संजू सैमसन को मौका मिलने वाला है, ना ऋषभ पंत को मौका मिलने वाला है। ऐसा विराट कोहली हाल ही में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि केएल राहुल को पहले विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चेंज की बात करते हैं तो जडेजा की यहाँ पर एंट्री नहीं होने वाली है, जिस प्रकार से क्यास लगाए जा रहे हैं शिवम दुबे को मौका मिलने वाला है। तो वहीं तीसरा चेंज है वो यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर नवदीप सैनी का। तो ये प्लेइंग 11 टीम इंडिया की रहने वाली है। आपको क्या लगता है किस प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11, अपनी ओपिनियन हमें जरूर बताएं। और मैच के दौरान सभी लाइव अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले। धन्यवाद।